नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक कर लेते हैं जयपुर की ओर। मुख्यमंत्री जी की गाइडेंस में, उनके निर्देशन में, उनके सुपरविजन में इमीडिएटली वहां रैपिड रेस्पॉन्स की टीमें भेजी गई उदयपुर से, जो हमने पहले ही गठित कर ली थी। पहला केस जब आया इटालियन के रूप में टूरिस्ट जो था, उसी टाइम पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्थाएं की, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में सभी जगह रैपिड रेस्पॉन्स की टीमें गठित की गई। उस वक्त यहां पे टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, हमको टेस्ट कराने के लिए पूना की वायरोलॉजी लैब में सैंपल भेजना पड़ा। इस पीरियड के अंदर पहले 100 सैंपल की जांच की शुरुआत की गई एसएमएस हॉस्पिटल में, आज 1500 हम कर सकते हैं। 8 जगह पे सैंपलिंग की फैसिलिटी हमने डेवलप की है और अब डायरेक्शन है कि राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जांच की सुविधा हो। अधिक से अधिक सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं इंटेंसिव सैंपलिंग की, और जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर्यटकों का आवाजाही ज्यादा रहती है, उन जगह पर रहने वाले लोगों के सैंपल्स लिए जाएं। हमारी उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया है और करीब 6.25 करोड़ लोगों को आज दिन तक स्क्रीनिंग के दायरे में हम लेके आए। बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, पॉजिटिव पाए जाए एरिया सील कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम किया गया और उस एरिया में कंटेनमेंट प्लान के तहत 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में सघन स्क्रीनिंग हो। आईएलआई केसेस जो दिख रहे हैं उनके सैंपल्स ज्यादा से ज्यादा ले, उनकी टेस्टिंग हो। इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश में हमारे पास ईरान से जो इवेक्यूज आए थे, चाहे जैसलमेर में उनको क्वारंटाइन किया गया जो आर्मी एरिया में, या जोधपुर में क्वारंटाइन किया गया, 35-36 तो पॉजिटिव वहीं निकल गए केसेस। राजस्थान में फिगर 348 जरूर है पॉजिटिव केसेस का, लेकिन एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक संतोष की बात है कि इसमें से 45 लोगों को हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और टोटल लोगों ने अपने मेहनत के बलबूते पर उनको पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाए हैं। वो 42 लोगों को तो हमने छुट्टी भी दे दी। भीलवाड़ा जिसकी बात कर रहे हैं, अधिकांश लोग वहां जो पॉजिटिव पाए गए थे वो नेगेटिव हो गए वहां। तो भीलवाड़ा मॉडल पे काम तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमको यहां की जो बसावट है, किस तरह से लोग बसे हुए हैं उसको देख के, और ये जो क्लस्टर सैंपलिंग का काम हमने यहां नया शुरू किया है, ड्रोन से भी निगरानी रखने की बात की जा रही है। पहले इन वॉल सिटी में कर्फ्यू लगाया गया था क्योंकि वहीं केसेस पॉजिटिव आए, अब कुछ केसेस जब वॉल सिटी के बाहर आए तो वहां भी कर्फ्यू को का दायरा बढ़ाया गया है। कुल मिला के एक हमारे सीनियर ऑफिसर अजिताभ शर्मा जी, उनको अकेले रामगंज के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो बराबर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद पूरे राजस्थान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मैं समझता सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सैकड़ों मीटिंगें इस दौरान एक महीने में हुई है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा गंभीरता और किसी प्रदेश में बरती गई हो मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि इसीलिए आज जो नेशनल एवरेज है कैजुअलिटी का, मौतों का, हमारा 2% से भी नीचे।